जनता कैसे यूपी में भाजपा के नेताओं को जूते मार रही है आप देख ही रहे हैं, और यूपी चुनाव में बीजेपी की हार दिन प्रतिदिन और नजदीक आती जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो निकल कर सामने आया है जहां भाजपा विधायकों को यूपी की जनता ने ऐसे खदेड़ा कि पूछिए ही मत। लोग बकायदा ऐसे दौड़ रहे हैं भाजपा विधायक के पीछे कि विधायक के साथ आए उनके समर्थक दुम दबाकर भागते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को ठिकाने लगाने का मन इस विधानसभा चुनाव में बना चुकी है, जिसके चलते यूपी में हो रहे मतदान को देखते हुए भाजपा और उनके मंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं। कोई भाजपा सांसद खुलेआम धमकी देकर यूपी की जनता से वोट मांग रहा है, तो कहीं यूपी के सीएम योगी जी लाइव टीवी पर मुसलमानों को कठमुल्ले जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र शब्दों का बेशर्मी से इस्तेमाल कर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और गोदी मीडिया के मुंह से हमेशा की तरह सिवाय मोदी भक्ति के कुछ नहीं निकल रहा है। लेकिन ये जनता है जनाब, सब जानती है, जिसका सबूत है ये वीडियो क्लिप जो कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश से निकल कर सामने आया है, जिसमें वोट मांगने आए भाजपा विधायक की ऐसी अकले ठिकाने लगाई कि उसके समर्थक भी उसका साथ छोड़कर भाग गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। वीडियो है लखनऊ की, जहां केंद्र मंत्री की पत्नी विधायक जया देवी लोगों के बीच में वोट मांगने पहुंची थी, लेकिन गांव वालों ने उनकी क्लास ऐसी लगाई कि सुरक्षा कर्मी तक भाग खड़े हुए। और ये कुछ नया नहीं है, जहां यूपी में जनता विधायकों को उल्टे पैर उनके ही विधानसभा एरिया से भगा रहे हैं। लोग सीधे लाठी डंडे लेकर भाजपा विधायकों के सामने खड़े हो जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 5 साल कहां थे विधायक जी, काम कुछ किया नहीं, 5 साल तक आके झाके तक नहीं, अब इलेक्शन आते ही मुंह उठाकर वोट मांगने चले आए। लेकिन यूपी की जनता अब ना विधायकों को छोड़ रही है ना विधायिकाओं को, महिला विधायकों के खिलाफ भी खुद महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है, उनको सबक सिखाने का, उनसे उनके काम का हिसाब मांगने का। लेकिन विधायक बोले क्या, काम कभी किया नहीं, अब जनता को क्या जवाब दे। कहीं अब जनता सीधे भाजपा के नेताओं पर गोबर फेंक रही है, तो कहीं उनकी सभाओं में खुले साड़ छोड़ रही है, तो कहीं गांव में घुसने से ही उनको मना कर दिया जा रहा है, या फिर अगर वो घुस रहे हैं तो उनको वापस खदेड़ दिया जा रहा है। वही सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आते ही आईपी सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अब तो लखनऊ में भी भाजपाइयों को खदेड़ना शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की एमएलए पत्नी जया देवी मांझा मांडवाना ब्लॉक माला गांव से जनता ने खदेड़ दिया, किसी तरह सुरक्षा कर्मी उन्हें भगा ले गए। केंद्रीय मंत्री की पत्नी एमएलए, फिर भी जनता ने क्या हाल कर दिया उनका, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। आपने देखा जो सीधे तौर पर यूपी के आने वाली चुनावी परिणामों की झलक हमें दे रहा है कि अब की बार योगी और भाजपा का पूरी तरह से यूपी से सफाया होने जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।